आज हम बनारस के गली को घूमेंगे। ये बनारस के गली पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है क्योंकि बनारस जैसा गली आपको कहीं और नहीं मिलेगा। भैया बनारस की गली में घूमने के साथ साथ आप सामान भी खरीद सकते हैं। हम खा चुके हैं और बनारस का पान जो है एकदम रसगुल्ला जैसा है। ये काशी खंड के गणेश जी हैं। बन जा गली बनारस की मैं शाम तलक भटकू तुझमें। गाइस तो बनारस का गली का काफी नाम सुने थे, तो भैया घाट घूमने के बाद जो है अब हम घूमने वाले हैं बनारस की गली, क्योंकि बनारस आए हो भैया और बनारस की गलियां नहीं घूमे हैं तो भैया फिर बनारस घूमना बेकार है। तो आज हम बनारस की गली को घूमेंगे और आखिर देखेंगे कि इसी गली में जो है काफ़ी सारा मूवी भी शूट होता है। तो आज हम पूरा गली को टूर करेंगे और बनारस की पूरी गलियों को आपको घुमाएंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि ये गली जो है ना काफ़ी अनोखा गली होता है। ये बनारस की गली पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है क्योंकि बनारस जैसा गली आपको कहीं और नहीं मिलेगा। रास्ता मुझे पता नहीं है, कोई भी रास्ता में घुसेंगे पूरा गलियां ही प्रसिद्ध है। कोई कोई रास्ता से होते हुए हम पूरा बनारस की गली को टूर करेंगे, आपको घुमाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। बनारस की गलियां, गलियों की खूबसूरती यही है बनारस की गलियां की खूबसूरती। छोटा छोटा सा गली है और ये है बनारस की गली। घर भी आप देखिएगा, ये सारा घर देखिए कितना पुराना बना हुआ है। वाह, ये हुआ ना गली, छोटा छोटा सा एकदम गली है, बड़ी मस्त गली है। तो भैया यही है काशी विश्वनाथ का गली और बनारस का गली जो है पूरे भारत में बहुत ही मशहूर है और बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको रास्ते में देखिए पूजा पाठ का सारा सामान भी मिलेगा। छोटा छोटा सा गली है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। और गली खाली गली ही नहीं है बल्कि आप गली पे देखिएगा तो काफ़ी खूबसूरत सारा पेंटिंग भी आपको देखने को मिलेगा। भैया जो गली में सब जा रहा है वो गली में नहीं जाना है, आखिर घूमना है तो फिर बनारस की गली को घूमते हैं। तो मंदिर का रास्ता को छोड़ के हम दूसरे गली में आ चुके हैं और इस गली में सिर्फ हम अकेले घूम रहे हैं। और देखिए असली खूबसूरती इस गली में दिख रहा है, ये महाआरती का जो है पूरा पेंटिंग बनाया हुआ है। तो बनारस की असली गलियां जो है यही है और असली खूबसूरती इसी गली में देखने को मिल रहा है। वाह, घूम रहे, कैसा लग रहा है बनारस? अच्छा, नंबर एक, नंबर एक। तो भैया बनारस की गली में घूमने के साथ साथ आप सामान भी खरीद सकते हैं। देखिए सामान का भी दुकानें हैं साइड साइड आपको मिल जाएगा। घूमते घूमते जाइए, प्रसादी लेना हो तो प्रसादी मिलेगा आपको और जो भी सामान चाहिए। महाराष्ट्र? हाँ महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र बोलो, छोड़ा बोल दिए अंकल। अभी अंकल घूम के आए हैं, काफी अच्छा लगा इनको, काफी लंबा लाइन है। और बनारस की गली घूमते घूमते हम काशी विश्वनाथ मंदिर के जो रास्ता जाता है उसी गली में आ चुके थे और अब उसमें भीड़ से निकल चुके हैं। अब जो फिर दूसरे गली में जाएंगे और आपको बनारस की नई नई गलियों को घुमाएंगे और टूर करवाएंगे। फिर से हम दूसरे गली में आ चुके हैं, जहाँ भी जाना हो गली से होते हुए चलेंगे क्योंकि आज पूरा जो है बनारस की गलियों को टूर करेंगे। क्योंकि नाम तो आप लोग हमेशा सुनते होंगे, आज हम घूमने वाले हैं बनारस की गलियों। और बनारस की गलियों इस वजह से खास है क्योंकि रास्ते में आपको काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग मिलेगा देखने को, जो कि देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत है लेकिन यहाँ थोड़ा सा टूट गया है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे जय श्री राम एकदम भक्ति वाला फील आएगा आपको। हर एक जगह पे मंदिर का और राम देख सकते हैं, यहाँ पे राम भगवान का चित्र है जो कि काफ़ी अनोखा अनोखा आपको कला के जो कृति को देखने को मिलेगा, यानी काफ़ी अनोखा अनोखा कलाओं को दिखाया गया है यहाँ पे पेंटिंग बना के। बनारस की गलियाँ तो ठीक है भैया, लेकिन गलियाँ में जो है ना बाइक आ जाता है तो पूरा गलिया का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो बनारस की गलियों को देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा रखा जाता है, डेली झाड़ू लगता है भैया। वाह, तो यूं ही नहीं बनारस की गलियों बहुत प्रसिद्ध है, देख सकते हैं गली में आपको काफ़ी एकदम साफ़ सुथरा गली मिलेगा और घूमने में बड़ा मज़ा आएगा। एक चीज़ तो है ये खूबसूरत पेंटिंग सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। आज तो अभी हम बनारस की गलियों घूमते घूमते आ रहे थे, रास्ते में एक प्राचीन मंदिर मिला जो कि प्राचीन मंदिर है, या इसके बारे में हमें नहीं जानकारी था लेकिन यहाँ पर पुजारी जी है जो कि इनके द्वारा इस प्राचीन मंदिर के बारे में काफ़ी ऐतिहासिक बातों को बताया गया जो कि अब हम आप लोगों को सुनाते हैं। काशी खंड के गणेश जी हैं, 56 विनायक काशी खंड में हैं, जिसमें 5 विनायक जो है वो विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। उसमें एक गणनाथ विनायक है, इनका 53वां नंबर है और ये काशी को स्वच्छ रखने के लिए परिचायक हैं। इनकी मूर्ति का एक खास विशेष है कि इन्होंने एक हाथ अपने पीछे अच्छा
मतलब हवा जहाँ से निकलता है वहाँ लगा रखा है। अच्छा, काशी में गंदा हवा भी न बहे। अच्छा, ये इस मूर्ति की एक विशेषता है। हाँ, ये तो दुनिया के अनोखा प्रतिमा कह सकते हैं इसको ना। नहीं, ये काशी खंड की प्रतिमा है। ये काशी खंड की शास्त्र में है इसका वर्णन। अच्छा, ये स्वच्छता के लिए पहचान किए जाते हैं। अच्छा, और एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं कि काशी को हमेशा पवित्र रखो, स्वच्छ रखो और तब कल्याण यहाँ होगा। कैसा लग रहा है बनारस का गलिया? गलिया ही नहीं बल्कि गलियों में आपको सभी कुछ मिलता भी है। देखिए, ये सारा खूबसूरत खूबसूरत सामान है जो है वो आपको बनारस की सभी गलियों में मिल जाएगा जी। आप प्रसाद है ना यहाँ पे तमाम। देखिए, आपको बनारस के सभी जो जितने भी प्रसिद्ध मंदिर है उनका फोटो भी मिल जाएगा, उनपे चढ़ाने के लिए प्रसादी भी आपको यही गली में मिलेगा। चाहे आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो बनारस की ये तमाम प्रसिद्ध गलियों में जो है मिलेगा। भैया, ये गली बहुत ही प्रसिद्ध गली है और काफ़ी मज़ेदार गली है। घूम के काफ़ी मज़ा आ गया क्योंकि गली ही गली की खूबसूरती तो अलग है ही है, लेकिन इसमें मार्केटिंग भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। कुर्ता हो ना, कॉटन का भैया? कुर्ता तो भैया बनारस आए हैं और बनारस का पान नहीं खाए तो फिर भैया क्या बनारस आए हैं। भैया, आज हम आपको बनारस का पान खिलाएंगे। लगाइए बनारसी पान ज़बरदस्त वाला। भैया, बनारस का पान हम खा चुके हैं। शाबाश बेटा। बनारस का पान जो है एकदम रसगुल्ला जैसा है, मतलब मजा आया। बिना रसगुल्ला का रसगुल्ला जैसा टेस्ट आ रहा है। बनारस का फेमस पान आज हम खा चुके हैं। हम खा के निकल चुके हैं, आप घूमेंगे बनारस तो बनारस में बिना पान के घूमने में मजा नहीं है भैया। पान शाम को होता है गंगा महाआरती, उसी वजह से भीड़ काफी ज्यादा है। हम तो बड़ा पान का मजा ले रहे हैं। तो भैया पैसा लगाए हैं, 25 रुपया लगाए हैं। 25 रुपया में पान मिलता, हमारा बिहार में 5 से 10 रुपया में मिल जाता। क्या हो भैया? भैया बनारस की गली घूम रहे थे हम, ठीक है, गली घूमते घूमते मार्केट में आ गए। हमको पता नहीं चला कब हम मार्केट घूमे और कब हम गली में आ गए। ये क्या किया? ये हम अपने आप को दिखा रहे हैं, ठीक है। ये पूछता है ये किया है भैया, तो हम अपने आप को दिखा रहे हैं, हम रोड पर चल रहे हैं, बता रहे हैं, आप भी चलिए, हम आपको रोके हैं। ये मार्केट है, ठीक है, मार्केट घूमना हो तो बोलिएगा, फिर से घुमाएंगे मार्केट। फिलहाल तुम बनारस के पान खा के बनारस की गली घूम रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। भैया वीडियो का एंड करते हैं, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मज़ेदार अभी बनारस का वीडियो आएगा। चैनल पर अगर नए हो तो भैया दबा दबा के एकदम सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। वीडियो देख लेते हैं, आप लोग फॉलो नहीं करते, फॉलो करिए और शेयर कर दीजिए। चलिए भैया, तो बाय बाय। अब साला हमारा कन्फ्यूजन है, हमको इधर जाना है कि इधर जाना है कि इधर जाना है। अब इधर भी जाना हो, घर तो जाना है।